नमस्कार। नमस्कार सचना जी। जन सरोकार मंच के लाइव श्रृंखला आपकी मेरी बात की इस कड़ी में आज आपके सम्मुख आ रहे हैं साहित्य के ऐसा व्यक्तित्व जिसने जीवन भर साहित्य को ओढ़ा और बिछाया है। अपने अध्ययन और अध्यापन काल में भी बच्चों को वो शिक्षा दी है कि वो साहित्य को सही तरह से समझ सकें। अच्छी कविताएं तो बहुत लिखी हैं, आपकी रचनाओं के संकलन भी आए हैं, तनाव ग्रस्त शहर भी आया है, लेकिन साथ में डॉक्टर साहब पिछले 2-3 साल से गजलें बहुत अच्छी लिख रहे हैं। चाहता हूँ विशेष रूप से जो आजकल समकालीन कविता जिसे हम कह रहे हैं उसमें जो सौंदर्य बोध है या सौंदर्य शास्त्र है उसको समझना भी बहुत जरूरी है ताकि कविता कविता के कंप्लीट फॉर्मेट में पाठक के सामने जाए और जो रचनाकार है वो भी उसको उस फॉर्मेट में लिखना और समझना की परिपक्वता प्राप्त कर सके। तो आदरणीय डॉक्टर साहब मनोज शर्मा जी, आपसे निवेदन है कि जैसा हम आपसे निवेदन पहले भी कर चुके कुछ गजलों से आप शुरुआत करें तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। और अभी बहुत संभावना है कि आपने आप संवेदनशील प्राणी है तो आपने उस पर भी कुछ ना कुछ लिखा ही होगा। तो नमस्कार सक्सेना जी, साथियों आप सबका हार्दिक अभिनंदन। बिल्कुल ठीक कहा है सक्सेना जी ने कि ये जो कोरोना काल है जी, इस कोरोना काल के अंदर उसे लिखी है और मैं भी ये चाहूँगा कि जो गजलें मैंने इस दौरान लिखी जी उनको मैं आप लोगों को सुनाऊं और आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है जी 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 उससे लाभान्वित हूँ। मैं सबसे पहले जी स्वागत अपनी एक गजल सुना रहा हूँ जी। चल सूरज से थोड़ी सी किरणें उधार लें। अच्छा, चल सूरज से थोड़ी सी किरणें उधार लें, अंधियारे के बढ़ते कर्जे को उतार लें। चल सूरज से थोड़ी सी किरणें उधार लें, अंधियारे के बढ़ते कर्जे को उतार लें। पूर्वजों को मित उठ कोसने से क्या हासिल। बहुत अच्छा। पूर्वजों को जी मित उठ कोसने से क्या हासिल, क्या किया क्या करना है कुछ तो विचार लें। क्या किया क्या करना है कुछ तो विचार लें। ऊंच नीच और जात पात की दीवारें ऊंची, चढ़कर इन दीवारों पर खुद को पुकार लें। वाह। चढ़कर इन दीवारों पर खुद को पुकार लें। शेर सुनिए जी। खुद गर्जी के गलियारों तक रिश्तों का आना जाना। बहुत अच्छा। खुद गर्जी के गलियारों तक रिश्तों का आना जाना, आहों की आहट सुनकर राहें सवार लें। आहों की आहट सुनकर राहें सवार लें। भूख मिटी तो सुख चाहा, अब सत्ता की दरकार है। क्या बात क्या बात। भूख मिटी तो सुख चाहा जी, अब सत्ता की दरकार है। लालच के सैलाब से जीवन उबार लें। चल सूरज से थोड़ी सी किरणें उधार लें। चल सूरज से थोड़ी सी किरणें उधार लें। अगली गजल है जी। भय का प्रेत लदा कांधे पर, बेहद डरे हुए हैं लोग। भय का प्रेत लदा कांधे पर जी,
बेहद डरे हुए हैं लोग, बेहिस इतने हो गए हैं जैसे मरे हुए हैं लोग, बेहिस इतने हो गए हैं जैसे मरे हुए हैं लोग, बेची खुद की बैसाखी अब लंगड़ाने को है मजबूर। बहुत अच्छे। बेची खुद की बैसाखी अब लंगड़ाने को है मजबूर, औरों से भी छीन लेंगे इतने गिरे हुए हैं लोग। सच कहा, सच कहा। औरों से भी छीन लेंगे इतने गिरे हुए हैं लोग, दूरियां कम कभी न होती आंख मूंद कर चलने से। वाह। दूरियां कम कभी न होती आंख मूंद कर चलने से, आभासी दुनिया में जीकर खुद से परे हुए हैं लोग। आभासी दुनिया में जीकर खुद से परे हुए हैं लोग। बड़ा अजब है खेल सियासत, ये शेर सुनिया। बड़ा अजब है खेल सियासत, जाने कौन किधर जाए। ठीक। बड़ा अजब है खेल सियासत, बड़ा प्रासंगिक खेल। बड़ा अजब है खेल सियासत, जाने कौन किधर जाए। बच्चों के कंचों की माफी बहुत अच्छा, सारे बिखरे हुए हैं लोग। बहुत अच्छा। बच्चों के कंचों की माफी सारे बिखरे हुए हैं लोग, सहनशीलता का गुब्बारा झूल रहा है द्वारे पर। क्या बात। सहनशीलता का गुब्बारा झूल रहा है द्वारे पर, पता नहीं कब फट जाएगा ऐसे बिखरे हुए हैं लोग। पता नहीं कब फट जाएगा ऐसे बिखरे हुए हैं लोग, भय का प्रेत लगा कांधे पर बेहद डरे हुए हैं लोग। संवेदनाओं का सत्य आपने उजागर किया, आपको पसंद आई। सुंदर। यही जो है इस मेरे सजन की नहीं, नहीं, मेरा विश्वास है कि जो अपने प्रबुद्ध श्रोता हैं जो देख रहे हैं आपको, वो भी इसको पसंद करेंगे। ये मेरा सौभाग्य होगा। अगली गजल सुना रहा हूँ जी। मौत ने जो हंसी उड़ाई, वाह, जीते जी वो हुआ नहीं। क्या बात। ये भी कोरोना काल की ही है। मौत ने जो हंसी उड़ाई, जीते जी वो हुआ नहीं। कचरा वैन बन गई अर्थी, अपनों तक वो छुआ नहीं। बहुत अच्छे। कचरा वैन बन गई अर्थी, अपनों तक ने छुआ नहीं। हालत ऐसी। मरने से डरकर सबके सब कैद हो गए दर्दों में। वाह। मरने से डरकर सबके सब कैद हो गए दर्दों में, बीमारी से बचना है बस और कोई मुद्दा नहीं। बीमारी से बचना है बस और कोई मुद्दा नहीं। बरसों पहले गांव से आए शहर में सपना सच करने। बहुत अच्छे। बरसों पहले गांव से आए शहर में सपना सच करने, अपनी आग में शहर जल उठे दूर दूर तक धुआं नहीं। क्या बात। अपनी आग में शहर जल उठे, अपनी आग में जले, अपनी आग में शहर जल उठे दूर दूर तक धुआं नहीं। बच्चे भूखे हवाएं बेदम राहें लहू लुहान है। बच्चे भूखे हवाएं बेदम राहें लहू लुहान है, इतने पर भी निर्दय निजाम का लज्जा कोई रुआ नहीं। इतने पर भी निर्दय निजाम का सीधा सीधा लज्जा कोई रुआ नहीं। हंसते मुस्काते चेहरों को देखे अरसा बीत। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। हंसते मुस्काते चेहरों को देखे अरसा बीत गया, आंखों में ऐसा सूनापन जैसे कहीं कुछ हुआ नहीं। आंखों में ऐसा सूनापन जैसे कहीं कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं होने का फिल्म खूब उभारा है आपने।
और बिल्कुल एक जी ताज़ा गजल जो है जी, जी, वो मैं आपको सुना देता हूँ जी, जो अभी कल ही उन्होंने लिखी है। सौभाग्य हमारा। डर से डरने के सिवा डरने की कोई बात अच्छा नहीं, डर से डरने के सिवा डरने की कोई बात नहीं, तिल तिल कर मरते रहने में मरने की कोई बात नहीं, तिल तिल कर मरते रहने में मरने की कोई बात नहीं, आँख का काजल चुरा लेने में माहिर कौन है, अरे वाह, आँख का काजल चुरा लेने में माहिर कौन है, जानते हैं सब मगर कहने की कोई बात नहीं, रात दिन अपने कद को जो छोटा करते रहते हैं, रात दिन अपने कद को जो छोटा करते रहते हैं, सादगी का उनका बाना सहने की कोई बात नहीं, सादगी का उनका बाना सहने की कोई बात नहीं, बांस का जंगल जला करता है खुद की आग में, बांस का जंगल जला करता है खुद की आग में, दहकाने वाली हवा के चलने की कोई क्या बात, क्या बात, दहकाने वाली हवा के चलने की कोई बात नहीं, लगातार बहने से पानी भी निर्मल हो जाता है, जिंदगी का यही फलसफा फंसने की कोई क्या बात, क्या बात, क्या बात, रवानगी को कहाँ लाए हैं आप, जिंदगी का यही फलसफा फंसने की कोई बात नहीं। वाह रक्षा, बहुत बेहतरीन गजलें सुनाई और गजलें सुन के एक बार तो मैं स्टंप हो गया हूँ, शुक्रिया, कि अब आगे कहाँ से प्रश्न तलाशूं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपकी रचना में ही शामिल हैं। एक विशेष मुद्दा ये है डॉक्टर साहब कि एक जगह पर बैठा था तो लोग कह रहे थे कि हालत ये है कविताओं के रचनाकारों की कि हर घर में एक मिल जाएगा जी, तो ऐसी बाढ़ भी आई। एक तरह से स्थिति ठीक है कि आदमी संवेदनशील हो रहा है, अनुभूतियां ले रहा है और वो उनको कागज पर उतारता है जी, लेकिन प्रश्न ये आता है, आप तो साहित्य के प्रोधर हैं, आपने पीएचडी डॉक्टरेट भी ऐसे विषय पे की है जिससे लोग बड़ी दूरी बना के रखते हैं कि साहित्य में रचनाओं में सौंदर्य शास्त्र और उस विधा पर आपने डॉक्टरेट की है, तो मेरे छोटे छोटे से प्रश्न हैं वो, उससे मैं भी लाभान्वित होऊंगा और सोचता हूँ कि अपने प्रभु श्रोताओं को भी कुछ ना कुछ अच्छा ही लगेगा। तो बात ये आती है डॉक्टर साहब कि जहाँ हम कविता की बात करते हैं संसार से ले लें, तो कविता ने कई मोड़ कई रास्ते पार किए, कई पगडंडियों से गुजरी हैं, अलग अलग नाम आए हैं, या कह दीजिए कि अलग अलग नामों से कविताओं को लेकर आंदोलन भी चले जी, और उन आंदोलनों में भी ये रहा है कि मंच पर भी एक विशेष वर्ग ने उन आंदोलन लेके जो झंडा लेके चल रहे थे एक ग्रुप के रूप में, उन्होंने कब्जे भी किए और सबको दिशा भ्रमित भी किया एक तरह से। तो आज आज के वर्तमान में पहला प्रश्न मैं सोचता हूँ कि आज तो मुझे कोई ऐसा आंदोलन दिखाई नहीं देता है कविता के लिए जिसको कोई नया रूप दिया जा रहा हो, इस विषय में कुछ कहना। बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि आज जो है वो कविता के क्षेत्र के अंदर
कोई उस तरह का आंदोलन नहीं है जिस तरह के आंदोलन जी पहले या यूं कह लीजिए कि सन 60 तक जी जी कविता के क्षेत्र में चलते रहे जी, और जिन्होंने हिंदी कविता को जी एक नई दिशा दी जी, नई शक्ति दी जी, और जीवन के प्रति जो नया नजरिया था जी, उस नजरिए की अभिव्यक्ति कविता में हुई जी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो जो सन 60 से आंदोलन चला आ रहा था, जिसको हम साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता जी 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 जी, जी। वही आंदोलन आज तक प्रभावी है, ठीक है, और उसी आंदोलन के अंदर उसी आंदोलन से जुड़कर के लोग कविताएं लिख रहे हैं, और सन 60 के बाद जो कविता ने गति पकड़ी है जी, वो निश्चय ही हिंदी कविता की समृद्धि, उसकी शक्ति, और साथ ही साथ उस कविता का जीवन के प्रति जो गहरा जुड़ाव है जी, उस गहरे जुड़ाव को प्रकट करने वाली है। ठीक, ये बात बिल्कुल जो है मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ जी। लेकिन इसमें एक स्थिति ऐसी भी बनी है जी कि कविता के नाम पर कुछ चुटकलेबाजी जो है जी, वो कवियों के द्वारा की जाने लग गई है, और उससे जो है वो कविता की क्षति होती है, कविता का जो स्तर है सच कर वो स्तर गिरता है जी। हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि छोटे कैनवस को लेकर के भी कविताएं लिखी जा सकती है, और बड़ी बड़ी दमदार बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी गई हैं जी। जैसे जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, हमारे यहाँ हिंदी के एक बड़े महत्वपूर्ण कवि हुए हैं केदारनाथ अग्रवाल, उन केदारनाथ अग्रवाल ने बड़ी दमदार छोटी छोटी बड़ी दमदार कविताएं लिखी हैं, जो मैं एक कविता यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा। आर्द्र बनाकर छोड़ गया है जब से बादल, आर्द्र बनाकर छोड़ गया है जब से बादल, पानी के अक्षर रोया है खड़े खड़े चुपचाप पहाड़। क्या बात, अब आप देखिए इतनी छोटी सी कविता है, लेकिन विराटता बहुत, इतनी विराटता है इस कविता के अंदर, इतनी शक्तिशाली कविता है कि मैं समझता हूँ इसके ऊपर जो है वो घंटों बातचीत की जा सकती है। बहुत बड़ा है। इसी तरह से जो मुझे बेहद प्रिय है बद्रिकारायण की एक छोटी सी कविता है जी, जी, वो जो है वो उसके अंदर वो कहते हैं कि कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा, कोई सोना, कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा, कोई सोना, मैं निपट अकेला कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र, मैं निपट अकेला कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र। तो आप देखिए कि इतनी इतनी छोटी कविताएं जो है जी, जी, वो भी किसी भी तौर से आप अगर उसे देखेंगे तो उन्हें वो आपको बड़ी कविताओं की तुलना के अंदर कमजोर नजर नहीं आए, नहीं, बड़ा आकाश को और बड़ा आकाश छूती बड़ी विराटता लिए हुए है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि वो अप्रोच कवि के पास में होनी चाहिए, वो दृष्टि जिस बात की तरफ आप अभी इशारा कर रहे थे, वो दृष्टि कवि के पास में होनी चाहिए कि वो जो है उस दृष्टि को अपनी कविता के अंदर जीवंत कर सके, उस दृष्टि को अपनी कविता के अंदर रूपायित कर सके, और समकालीन कविता के अंदर जी जहाँ तक सौंदर्य चेतना का प्रश्न है, तो वो केवल समकालीन कविता ही नहीं जी, बल्कि मैं कहता हूँ कि कोई भी कविता हो, उस कविता के अंदर जो सौंदर्य की सृष्टि है
वो सौंदर्य की सृष्टि दरअसल कवि के जो परस्पर परस्पर विरोधी जो भाव होते हैं उन परस्पर विरोधी भावों के सामंजस्य में निहित होती है। कवि कवि जो तरह तरह के अनुभव प्राप्त करता है, तरह तरह की उसकी जो उसके अंदर जो संवेदनाएं पैदा होती हैं, उसके जो भांति भांति के इंद्रिय संवेदन या इंद्रिय बोध होते हैं, उन सब के अंदर वो जो एक सामंजस्य लेकर के आता है, वो जो सामंजस्य पैदा करता है, वो सामंजस्य ही हकीकत के अंदर उस कविता को खूबसूरत बनाता है, उस कविता के अंदर सौंदर्य पैदा करता है। ठीक है, एक एक बहुत सार्वजनिक रूप से रचनाकार जो क्योंकि आजकल काफी भीड़ है, एक प्रश्न ये भी उठता है कि साहब हमारी रचना को आप साहित्यिक रचना क्यों नहीं कहते जी, जैसे एक प्रश्न उठता है और उनको बहुत आसानी से या कम शब्दों में समझाया भी नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि एक कविता उस समय जिसे हम गद्य कविता कहते थे और उस समय वो छंद और मात्रा और दूसरी सारी विधाओं में बंद कर गाती थी, लय भी होती थी, लेकिन जब से कविता ने अपने ये अलंकरण छोड़े हैं, कविता सीधी सीधी का बात करने लगी है, मुक्त हो गई है अभिव्यक्ति, तो क्या आप थोड़ा सा ऐसा आसान लफ्जों में ऐसा बता सकते हैं कि आज की कविता की अलंकरण क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है? बड़ा बढ़िया सवाल है आपका जी। और कविता ने अपने जो पारंपरिक अलंकरण है जी, उन अलंकरणों को एक तरह से छोड़ दिया है जी। हालांकि वो अलंकरण कहीं कहीं पर दबे ढके रूप में कविता के अंदर आते हैं जी। क्योंकि देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि कविता के अंदर वो जो वक्तृता होती है जी, वो वक्तृता जी, और एक होती है वक्रता जी, तो जिसको जिसको हम कहते हैं रेटरिक, तो है। वो जो रेटरिक है कविता में जी, जी। वो कविता का पीछा कभी नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि अगर वो रेटरिक कविता के अंदर नहीं होगा जी, तो फिर कविता के अंदर जो जो पाठक को अपनी ओर खींचने की जो ताकत है वो नहीं है। तो कवि जो है उस रेटरिक का सहारा लेकर के पाठक को अपनी ओर खींचता, और साथ ही साथ क्या है कि वो जो कुछ कहना चाहता है उसको वो ज्यादा ज्यादा अर्थवान बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये काम वो जो है वो कविता के अंदर वक्रता पैदा कर बात को जो है ना वो उलट करके कहेगा जी, सीधे सीधे न कह करके। आज जैसे आज की कविता की आप जो बात कह रहे हैं, तो आज की कविता की सबसे बड़ी ताकत जो है ना जी, वो ताकत ये वक्रता यानी रेटरिक और उसके अंदर जो पाई जाने वाली वक्रता है जी, जी जी, वो उसकी ताकत है। इसके अलावा दूसरी बात और है कि आज की कविता के अंदर जो है वो जिंदगी की जो वास्तविकताएं हैं जी, उन वास्तविकताओं को जिस तरह से प्रस्तुत कर रहा है कवि, तो उन वास्तविकताओं के प्रति पाठक के मन में वो जो है एक एक तरह का सचेत होने का भाव वो जगाता है। ठीक है, क्योंकि सामान्य तौर पर हम देखते हैं जिंदगी की जो उठा पटक है उसके अंदर आदमी यथार्थ का जो क्रूर चेहरा है उस क्रूर चेहरे को लेकर के उतना ज्यादा चौकन्ना नहीं होना है, उसको अवेयर कराता है, उसको अवेयर
तो आज का कवि जो है वो यथार्थ की जो क्रूरता है उस यथार्थ की क्रूरता के प्रति पाठक को सजग करता, उसको सचेत करता। ठीक है, नहीं ये तो आपने ठीक कहा, मैं थोड़ा सा ये बात कर रहा था कि अगर हम, आपने तो बच्चों को बहुत पढ़ाया है जी, और बच्चों को इस कदर पढ़ाया है कि बच्चे उदाहरण कहते हैं हमारे तो पिता ही ये होते तो बात ही क्या। ये तो खैर ये उनकी श्रद्धा को नमन करता हूँ मैं, उनका श्रद्धा भाव तो नहीं, तो आपने इस तरह उनको ग्रासप कराया है कि वो जिंदगी को और राइटिंग को लेखन को वो ठीक से समझ सके और उसको जीवन में उतार लें। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है आपके लिए भी और हम सबके लिए भी। लेकिन बात यहाँ आती है कि आज के अगर हम किसी राइटर से ये कहें देखो भैया रचना लिख रहे हो लेकिन कविता का आज का जो मॉड्यूल है उसमें ये चीज़ें पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अक्सर आप कहते हैं बिंब विधान है, जैसे आप कहेंगे कि उसमें मेटाफोर्स हैं या दूसरे उसकी जो लयबद्धता है उसकी फूट तो नहीं रही है, जो भी चीज़ें हैं गौर करने की जो कविता को कविता बनाने में सहायक होती हैं और एक राइटर को अवेयर करती हैं उस पर थोड़ा सा। देखिए क्या है कि मैं इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ कि जी 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 किसी तरह की कोई नियमावली बना करके जो है ठीक है वो कवियों के सामने रखी जाए और कवि उस नियमावली से बंद करके जो है मैं कविता है। हमारे यहाँ काव्य शास्त्र के अंदर जो है वो पूरा एक इस तरह का संप्रदाय चला है जिसको औचित्य संप्रदाय कहा गया है। ठीक है, वो दूसरा विषय हो जाएगा। तो मैं इस चीज के अंदर बस बात सिर्फ इतनी सी है कि कवि जब कविता लिखे तो वो जो कुछ कहना चाहता है, जो कुछ महसूस कर रहा है, जो उसका अपना अनुभव है, ठीक है, उस अनुभव को वो इस ढंग से प्रस्तुत करे कि वो पढ़ने वाले तक संप्रेषित हो जाए। देखिए कविता का एक जो संकट है ना जी आज की कविता का जी, वो ये भी है कि कई कवियों की कविताएं जो है जी वो पाठकों तक संप्रेषित नहीं हो पाती है, वो पाठकों के सिर पर से गुजर जाती है। हालांकि हमारे यहाँ ये भी माना गया है कि कविता जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी समझ में आए और थोड़ी समझ में नहीं आए, ऐसा भी नहीं है कि सहज सरल ढंग से अगर कोई बात कही जा रही हो और वो बात पाठक के गले नहीं उतर पाती, पाठक को प्रभावित नहीं कर पाती हो या पाठक के अंदर किसी तरह की जो है वो संवेदनाएं नहीं जगा पाती हो, उसके भावबोध को जो है वो विकसित न कर पाती हो, इस बात को भी मैं नहीं मानता हूँ। ऐसे बहुत से उदाहरण, तुम बता लिया फिर था साथ, डबका लाग्या फूट गया कछु न आया हाथ। अब आप देखिए, अब इसके अंदर मेरे कुछ नहीं, बस एक अनुभव है, ये तन काचा कुंभ है, कच्चे घड़े से शरीर की तुलना है और उस कच्चे घड़े से शरीर की तुलना करते हुए वो जो है वो जिंदगी की जो वास्तविकता है उसको सामने रख जाते हैं बहुत आसानी से। तो ये जो चीज है वो भी कविता के अंदर अगर बनी रहती है तो पाठक जो है उसको भी स्वीकार करता है। और जहाँ पर जैसा कि मैंने कहा और जिन अलंकरणों की तरफ आपने इशारा किया है वो अलंकरण अगर होते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्हें वो अलंकरण जो है वो कविता को ज्यादा ग्राह्य तो मैं नहीं कहूँगा, यो कहिए कि ज्यादा जो है उसको भावबोध से भरी हुई बनाते हैं या यो कह लीजिए कि उस कविता के अंदर वो अलंकरण जो है वो ज्यादा अर्थ पैदा करते हैं। इसीलिए मैंने
मैंने एक बात और कही है कि ये जो कविता के अंदर कई बार हम इस तरह का जो रवैया अपनाते हैं, जी ये भी एक तरह का मिथ है। कमाल की बात कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक तरह का मिथ है। जी मैं इस बात को मिथ इसलिए कह रहा हूं, क्या है कि क्या आप देखिए, कविताओं के अंदर कहा जाएगा, चरण कमल हाँ कर कमल है चंद्रमुख। अरे क्या बात। भाई, मैं तो गुरु चाहता होता है, हाँ न हाथ कमल जैसे कमल होते जैसे हैं, होते हैं। न पांव कमल जैसे होते ठीक हैं। है। अब अगर मान लीजिए आप किसी के पांव को कमल बता रहे हैं, तो ये मिथ ही तो ठीक है। है ये मिथ ही तो है। भाषा भाषा यानी कुल मिलाकर के ये है कि आप जो कहना चाहते हैं वो कहने के अंदर आपकी भाषा समर्थ नहीं है, नहीं तो इसलिए आप उन अलंकरणों का सहारा सारा ले रहे के हैं। और जिसके पास में अपनी बात को सहज सरल ढंग से कहने की ताकत है, जी वो उस बात को सहज सरल ढंग से कह जाता कह है। जाए कह जाता है। वाल्मीकि को तो जरूरत नहीं पड़ी थी, जब जी जब रे तमसा नदी के अंदर स्नान करके और अपने आश्रम की तरफ लौट रहे थे, और उन्होंने जो है जब एक क्रौंच जो था पक्षी उसका उस क्रौंच पक्षी का वध होते हुए देखा, और उसके उसके मर जाने के ऊपर क्रौंची जिस तरह का विलाप कर रही विलाप थी, तो आप ये देखिए कि वो जो पीड़ा थी उस क्रौंच के प्रति, वो जो करुणा थी, वो करुणा बेसाख्ता उसके उनके भीतर से फूट पड़ती है, जी और वो जो है वो कह उठते हैं, मां विषाद प्रतिष्ठान तो हम ऐसा सोती क्षमा। तो ये अब इसके अंदर, अब इस ये जो कविता है, इस कविता के अंदर कहीं कोई हाँ बोल सकते लच्छेदार भाषा कोई नहीं बात है, नहीं। हाँ सीधी 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 बात सीधी सीधी बात है। और बात भी ऐसी है, आप ये देखिए, बात भी ऐसी है सक्सेना जी, जिसके अंदर वो शाप दे रहे हैं हाँ उस बहेलिए को, उस शिकारी को शाप दे रहे हैं। लेकिन जो कि कवि है, इसलिए बाद में लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक पक्षी के वध के कारण जो है एक मनुष्य को शाप दे दिया, तो अपनी इस गलती का मार्जन करते हैं। थोड़ा सा समय है, 2-5 साल है जी। मेरे पास। मैं थोड़ा सा और सरलीकरण करना चाहता हूँ इन बातों का। क्या आप इस तरह मुझे और दर्शकों के सामने अपनी बात कह सकें कि सौंदर्य शास्त्र विधा है, जी एक तरह से पूरा पूरा शास्त्रीय अध्ययन आपने लिखा भी है, तो मैं ये समझना चाहूँगा, सुनना चाहूँगा आपसे, क्या इसके भी अलग अलग कोई स्टेंजे हैं, अलग अलग फैकल्टीज हैं कि सौंदर्य शास्त्र की विधा में हम इन स्थितियों को या इन स्थितियों में, या चाहे प्रेम प्रसंग हो, चाहे विरह हो, करुणा हो, प्रकृति का चित्रण हो, या किसी संघर्षरत मजदूर या किसी का जिक्र हो, तो क्या उस तरह भी संघर्ष इस सौंदर्य को देखा और समझा जा सकता है? बिल्कुल समझा जा सकता है, थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल समझा जा सकता है। पहली बात तो मैं जो है ये कहूंगा कि जो सौंदर्य शास्त्र है जी वो कोई ऐसा ऐसा शास्त्र नहीं है जी जिसको जिसको हम ये कहें कि इसकी ये यहाँ आकर के इसकी सीमा निर्धारित हो जाती ठीक है। क्योंकि कोई भी रचना हो, जी चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, यहाँ तक कि कोई चित्र हो, जी कोई कोई राग हो, जी कोई मूर्ति हो, तो इन कला के विभिन्न रूपों के द्वारा कलाकार जीवन और जगत के विभिन्न संदर्भों को जिस तरह से प्रस्तुत करता है जी अपनी कला के अंदर, ठीक है,
उस प्रस्तुतिकरण का अध्ययन ही सौंदर्य शास्त्र है। ठीक, यानी कोई कला किसी कवि ने अपनी कविता के अंदर जीवन और जगत के जो विभिन्न रूप हैं, उन विभिन्न रूपों को किस तरह से प्रस्तुत किया, ठीक, उन रूपों का अध्ययन करना, उस प्रस्तुति का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का अध्ययन करना, वह सौंदर्य शास्त्र का विषय होता है। इसलिए एक तो सौंदर्य शास्त्र के अंदर क्या है कि हम कविता का अध्ययन करते समय सिर्फ कविता का अध्ययन नहीं कर रहे होते हैं, उस कविता के अंदर चित्र कहाँ है, उस कविता के अंदर संगीत कहाँ है, उस कविता के अंदर मूर्ति कहाँ है, उस कविता के अंदर स्थापत्य कहाँ है, इनका भी अध्ययन कर रहे होते हैं। तो इस तरह से उसका जो दायरा होता है वो दायरा बढ़ जाता है। दूसरी बात जो आपने कही कि उसमें सौंदर्य जो है वो क्या केवल प्रेम के संदर्भों के अंदर जी या करुणा के संदर्भों के अंदर ही सौंदर्य होता है, या संघर्ष के जो संदर्भ होते हैं जी उन संघर्ष के संदर्भों में भी सौंदर्य होता है। तो एक बात बहुत स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ जी कि कला के क्षेत्र के अंदर सुंदर और असुंदर का कोई भेद होता ही नहीं है, कोई भेद नहीं होता, सुंदर और असुंदर नाम की कोई चीज नहीं होती। हमारे यहाँ तो बाकायदा बिहारी तो अपने एक दोहे के अंदर ये कहते हैं, समय समय सुंदर सवे रूप कुरूप न हो, जाकी रुचि जाने जीती ते तो सुंदर हो। क्या तो जिसकी जिसके अंदर जैसी रुचि है, जो चीज जो जीवन संदर्भ जीवन का जो रूप जिसको जिस तरह से अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो उस रूप में जो है उसको ग्रहण करता है। और आप देखिए हमारे यहाँ निराला ने तो तोड़ती पत्थर नाम की जो है ना एक ऐसी अद्भुत कविता लिखी है जिसके अंदर श्रम करती हुई एक महिला का जो चित्र उभर करके आता है वो अपने आप में जो है अद्भुत है। कि आज की जो कविता है आज से कहने का मतलब यानी हमारे यहाँ आजादी के बाद जो जिस तरह की जो कविताएं लिखी गई हैं और आजादी से पहले भी जिस तरह की कविताएं लिखी जाती रही, उन कविताओं के अंदर वो पत्थर कविता है जी वो अपने आप में अपना एक अलग स्थान रख सकते। बहुत अच्छी बातें हुई उन डॉक्टर साहब आपसे, और आज इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। फिर अगर डॉक्टर साहब ने इजाज़त दी तो बहुत सारी बातें शेष हैं, उन्हें फिर आपके सामने लाएंगे, आपसे साझा करेंगे। इसी के साथ डॉक्टर साहब आपका जन सरोकार बहुत धन्यवाद, जन सरोकार मंच की ओर का और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का मैं जो है आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे जो है ये अवसर उपलब्ध कराया और आप सब लोगों के साथ में अपनी बहुत अच्छा लगा, अपनी बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। धन्यवाद।